जिस समय पूरी दुनिया की निगाहें रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त भारत एक ऐसी कूटनीति पर काम कर रहा है जिससे आने वाले समय में उसके संबंध कई पश्चिमी एशियाई देशों से बेहद मजबूत हो जाएंगे। इन पश्चिमी एशियाई देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, सऊदी अरेबिया और बहरीन प्रमुख हैं। इन सभी देशों की भारत से नजदीकी पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इतिहास में शायद पहली बार सऊदी अरेबिया की आर्मी के चीफ भारत आए और उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे से मुलाकात की। इस मुलाकात की एक तस्वीर भी काफी वायरल हो रही है जिसमें भारत और सऊदी अरब की सेना के चीफ उस ऐतिहासिक तस्वीर के सामने हाथ मिला रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस समय सऊदी आर्मी चीफ भारत में है, ठीक उसी वक्त सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से 300 करोड़ डॉलर के लोन की रकम वापस मांग ली है। सऊदी अरेबिया के अलावा ओमान के नेवी चीफ भी हाल ही में भारत के दौरे पर थे जहां दोनों देशों ने रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की बात की। लेकिन अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण समझौता भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ करने जा रहा है। 18 फरवरी को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक वर्चुअल समिट होने जा रहा है। इस समिट में भारत और संयुक्त अरब अमीरात एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर साइन करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हो रहा ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भारत के लिए काफी फायदेमंद रहेगा क्योंकि इस अग्रीमेंट में भारत निर्यात ज्यादा करेगा और आयात कम। ये भी माना जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात आने वाले समय में भारत में $100 बिलियन का निवेश भी करेगा। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ हो रहा यह अग्रीमेंट मोदी सरकार का पहला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा। मोदी सरकार ने पिछली सरकार द्वारा किए गए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स पर सवाल खड़े किए। मौजूदा सरकार का कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में जो भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुए वो सही देशों के साथ नहीं किए गए जिसकी वजह से भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया क्योंकि उन सभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में भारत को फायदा कम था और दूसरे देशों को ज्यादा। जैसे आसियान देशों के साथ किए गए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में भारत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत उन्हीं देशों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेगा जिसमें भारत का फायदा होगा। आने वाले समय में भारत UK, कैनेडा, इसराइल और यूरोपीय यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर सकता है। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. Download it now.